शाहीन बाग का धरना 101 दिन के बाद चलने के बाद उसको खत्म करा दिया गया। किसकी तरफ से खत्म कराया गया? दिल्ली पुलिस ने उसको खत्म कराया। क्यों खत्म कराया? क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो पूरे भारत को बंद कर दिया था। इसलिए दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के धरने को, जो शांतिपूर्वक चल रहा था, उसे खत्म करा दिया। पर शाहीन बाग के लोगों की ये मांग थी कि हम एक दो ही लोग वहां बैठे रहेंगे, पर इस धरने को चलते रहने दिए, पर दिल्ली पुलिस ने नहीं माना। दिल्ली पुलिस बहुत ही ज्यादा फोर्स लेने के बाद शाहीन बाग के धरने को खत्म करा दिया। अब शाहीन बाग के धरने को लेकर एक कोर्ट से की तरफ से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के धरने को गलत हटाया, तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि शाहीन बाग के धरने को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों शाहीन बाग के धरना जब हट रहा था तो कुछ लोग वहां से नहीं हट रहे थे, कह रहे थे दिल्ली पुलिस से कि हम यहां से नहीं उठेंगे और हम दो चार लोग ही यहां पर बैठे रहेंगे, हमारी मांग मानिए और धरने को नहीं हटाई। पर दिल्ली पुलिस ने नहीं मानी, उनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जिन तीन लोगों को गिरफ्तार करा था, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, अब वो बाहर आ जाएंगे, यानी बेल दे दिए। ये खुशखबरी है शाहीन बाग के धरने की तरफ से जो निकल कर आ रही है। चलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। कोर्ट ने जो तीन लोगों को जमानत दी, जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो धरना हटा रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।